Hi there, Jogendra Tuteja at Tuteja Talks Desi Martini, and let me share with you how this week's releases Fast and Furious, Hobbs and Shaw and Khandani Shafa Khana have done at the box office. बात पहले करते हैं हॉलीवुड रिलीज फास्ट एंड फ्यूरियस हॉब्स एंड शॉ के बारे में. फिल्म से उम्मीदें एक्चुअली बहुत ज्यादा थी. लग रहा था कि जिस तरीके से इतनी हॉलीवुड की रिलीजेस एक के बाद एक अच्छी चल रही है तो शायद ये भी 100 करोड़ सक्सेस तो हो ही जाएगी. इनफैक्ट फास्ट एंड फ्यूरियस 7 जब आई थी तो दैट एक्चुअली वेंट पास द 100 करोड़ मार्क. फास्ट एंड फ्यूरियस 8 उतना ज्यादा डिस्टेंस नहीं कवर कर पाई थी. इट वॉज इन द लेट 80s बट स्टिल इट वॉज अ वेरी गुड बिजनेस. बट यहाँ पर जब अभी हॉब्स एंड शॉ आई है, ओपनिंग फिल्म की अच्छी रही, वीकेंड जो है वो 40 करोड़ क्रॉस हो गया. बट देन उसके बाद जो फॉलो थ्रू वो खास नहीं रहा, विच कैन वेल बी सीन फ्रॉम द फैक्ट कि जो ओवरऑल वीक है दैट हैज बीन जस्ट अराउंड 57-58 करोड़. तो अगर आपका वीकेंड 42 का हो और उसके बाद पूरा वीक 57-58 के अराउंड ही जाकर रुक जाए तो यू कैन वेल इमेजिन कि एक डिक्लाइन डेफिनेटली आया था ना. दैट वॉज सरप्राइजिंग क्योंकि जो ऑडियंस वर्ड ऑफ माउथ था वीकेंड पे जंप देख के, स्पेशली ऑन सैटरडे, लग रहा था कि शायद अच्छा ही चल रहा है. बट देन आई गेस पीपल वर सीइंग अ लॉट ऑफ मूवीज फॉर द लास्ट सो मेनी वीक्स. जब से कबीर सिंह आई थी, विच वॉज एग्जैक्टली 7 weeks बैक, हर हफ्ते एक पिक्चर आ रही थी, चल रही थी, आ रही थी और चल रही थी. और यहाँ पर भी एक्चुअली वीकेंड अच्छा रहा. सो आई डोंट नो रियली व्हाट वाज द रीजन कि ये फिल्म इतना आगे तक नहीं जा पाई. मुझे ऐसे लग रहा था कि 70 करोड़ का फर्स्ट वीक हो जाएगा. बट राइट नाउ लुक्स लाइक ये फिल्म का जो ओवरऑल लाइफ टाइम है दैट विल बी अराउंड 70-75 करोड़, क्योंकि अभी 6 दिन और बचे हैं. उसके बाद 15 अगस्त को मिशन मंगल और बाटलाउस आ जाएगी, विच मीन्स द रन ऑफ दिस हॉलीवुड बिगी इज गोइंग टू बी कटेल्ड फॉर श्योर. द फिल्म विल स्टिल बी अ सक्सेस. मनी स्पिनर स्टिल है. हाँ, उतनी बड़ी नहीं है जितनी आप उम्मीद कर रहे थे. इट्स नॉट गोइंग टू बी 100 करोड़ सक्सेस, बट एक अबव एवरेज का जो टैग है वो इस फिल्म को मिल जाएगा. बट होपिंग कि जो आगे नेक्स्ट फ्रेंचाइजी की फिल्म आएगी दैट विल बी इवन बिगर एंड बेटर. जो दूसरी रिलीज आई थी वो थी खानदानी शफा खाना. काफी ही पुअर रिजल्ट रहा फिल्म का. द फिल्म हैजंट डन वेल एट ऑल फॉर सोनाक्षी सिन्हा. दिस अ बिग हिट क्योंकि वेलकम टू न्यूयॉर्क भी नहीं चली थी. उसके बाद अब ये फिल्म भी नहीं चली. उनकी इससे पहले जो सोलो एक और रिलीज आई थी मूड, वो भी नहीं चली थी. इत्तेफाक बीच में जो आई थी वो ठीक ठाक फिर भी चल गई थी. शी इज अ केपेबल एक्ट्रेस. मैंने पहले भी कहा इट्स जस्ट दैट द फिल्म्स दैट शी हैज सेलेक्टेड समहाउ दे हैवंट रियली बीन अप टू द मार्क. उसकी अगर हम बात करें यहाँ पर तो खानदानी शफा खाना, उसका फर्स्ट वीक सिर्फ 4 करोड़ के अराउंड है. सो दैट्स डिजास्ट्रस. आप पूरे वीकेंड में तो छोड़िए, आप एक्चुअली उम्मीद करते हैं कि ऐसे नंबर आपके बुरे से बुरे भी अगर नंबर्स चल रहे हो तो पहले 2 दिन में आ जाने चाहिए, बिकॉज उसके बाद एक जंप की उम्मीद करी जा सकती है. बट यहाँ तो फर्स्ट वीक ही इतने हैं और सेकंड वीक में एक्चुअली शोज ही नहीं है. सो दैट्स अबाउट इट. इसके बाद अब फिर डिजिटल पर आएगी, सैटेलाइट पर आएगी. सैटेलाइट पर मुझे लगता था कुछ खास मार्केट फिल्म की होगी, बट डिजिटल पे शायद फिल्म कुछ कर जाए. लेकिन ओवरऑल इट्स अ फॉरगेटेबल एक्सपीरियंस फॉर ऑल इन्वॉल्व एंड इट्स अ डिजास्टर फॉर द बॉक्स ऑफिस. तो बात करते हैं आगे जाके जो आगे रिलीजेज आएगी उनका हर्ष कैसे रहता है. अभी जबरिया जोड़ी आ रही है, उसके बाद आएगी जैसा कि मैंने कहा बाटलाउस एंड मिशन मंगल, एंड होपफुली गुड डेज विल बी बैक अगेन फॉर द बॉलीवुड रिलीजेज इन डेज टू कम. दिस जोगेंद्र टुटेजा साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुटेजा टॉक्स देसी मार्टिनी.